नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A22 5G versus Realme 9 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A22 5G में 6.58 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A22 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A22 5G में 3.01 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A22 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A22 5G में 0.35 इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A22 5G में 203 ग्राम जबकि 9 Pro Plus 5G में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A22 5G में TFT जबकि 9 Pro Plus 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A22 5G में 6.6 इंचेस जबकि 9 Pro Plus 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A22 5G में 1080x2408 और 9 Pro Plus 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A22 5G में 82.33% जबकि 9 Pro Plus 5G में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A22 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि 9 Pro Plus 5G में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A22 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 9 Pro Plus 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A22 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A22 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 9 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A22 5G में Mali G57 MC2 जबकि 9 Pro Plus 5G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A22 5G में MediaTek Dimensity 700MT 6833 और 9 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 920MT 6877 मिलता है। बात करें RAM की तो A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 9 Pro Plus 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A22 5G में अप टू 1TB जबकि 9 Pro Plus 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A22 5G में Android V11 जबकि 9 Pro Plus 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी A22 5G में 5000 mAh जबकि 9 Pro Plus 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹18,149, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹20,150 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9 Pro Plus 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹24,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹26,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹28,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A22 5G में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 9 Pro Plus 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 9 Pro Plus 5G आगे है, मेन कैमरा में 9 Pro Plus 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 9 Pro Plus 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A12 है, दूसरा Xiaomi Mi 11i है, तीसरा Google Pixel 6 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।